हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शेजी स्टोरी। मैं हूँ श्रेया और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट क्राई हॉल जो मैंने बेबी के लिए किए हैं, कि फर्स्ट क्राई से मैंने क्या क्या आप बेबी के लिए मंगाया है। तो चलिए आज वो आपको दिखाते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो है, फर्स्ट क्राई से मुझने जो ऑर्डर किया है ज़्यादा चीज़ें हैं बेबी के क्लोथ और इसी के साथ साथ एक दो और ज़रूरी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए इसी तरह के नई वीडियोज़ के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्योंकि जैसे कि जो मेरी डिलीवरी की ड्यू डेट है वो है अप्रैल लास्ट में, तो वो मैंने आपको बताई है, उसके लिए तो वीडियो भी डाला है, वो ज़रूर देखिएगा। बेबी के लिए मोस्ट ऑफ द शॉपिंग हो चुकी है और इसका मैंने पार्ट वन भी डाला था, और पार्ट वन में भी काफ़ी कुछ मैंने शॉप करा था वो बेबी के बेड, बेबी का मॉस्किटो वाला बेड भी, और पिलो वगैरह, बेबी की बहुत सारी नैपीज, बहुत सारे क्लोथ जो उसको गर्मियों में काम आने वाले, क्योंकि इट्स समर सीज़न और इस वजह से गर्मियों को ध्यान में रखते हुए मैंने उसकी शॉपिंग करी थी। तो वो उसका मैंने पार्ट वन डाल चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे या ऊपर यहाँ आई बटन पे दिख जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सेकेंड जो है वो मैंने लिया है फर्स्ट क्राई से, क्योंकि फर्स्ट क्राई पर बहुत क्यूट क्यूट स्टफ थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं फर्स्ट क्राई को भी शॉप करूं। फर्स्ट क्राई को भी किया तो वीडियो नहीं बन पाई थी, बट फाइनली बन गई। तो पहली जो चीज़ है वो है क्लोथ है, ये ब्रांड है कुक्युम्बर और किड्स वेयर। कुक्युम्बर के मैंने बहुत सारे देखे हैं, और जो मेरा भतीजा भी था तो उसके भी बहुत सारे कपड़े ऐसे रहे हैं कुक्युम्बर के, उसने पहने हैं, तो मैंने उसको देखा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्पेशली आपको फर्स्ट क्राई पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिलेंगे जो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, जो न्यू बॉर्न के लिए बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं, तो मैंने उससे ऑर्डर करा। तो ये रहा क्यूक्यूम्बर का। तो ये जो है एक्चुअली मैंने 0-3 ऑर्डर किया था, 0-3 मंथ्स न्यू बॉर्न के लिए। साइज़ बहुत छोटी तो होती है, बट क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं, दैट्स वाई कि वो फिर नहीं काम आते, इसलिए मैंने सारे क्लोथ जो है वो 0-3। बस ये स्पेशली मैंने आईचिन ध्यान नहीं दिया या क्या, ये 3-6 मंथ्स हो गया, बस इट्स रियली ओके, क्योंकि इसके बाद जो है 3-6 मंथ्स का जब वो होगा, तो क्योंकि यहाँ पे वेदर चेंज हो जाएगा और मानसून आ जाएगा, तो उसके लिए ये काम आएगी। और ये फुल स्लीव है, और एक ही मैंने फुल स्लीव लिया है बहुत सोच समझ के, क्योंकि बहुत गर्मी है एक्चुअली इस वजह से। तो ये है, ये क्यूट सा स्टफ, ये है फुल स्लीव का जो है, ये नीचे का लोअर है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, जस्ट लाइक दिस, और ऑरेंज कलर का है। इसमें काफ़ी कलर ऑप्शंस हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई क्यूट सा प्रिंट बना हुआ है। और इसी के साथ साथ ये है एक फुल स्लीव की शर्ट, तो बच्चों के लिए ये काफ़ी सही रहती है, ओपन बटन वाली जब छोटे रहते हैं। मैंने ऐसा कोई भी ज़्यादातर क्लोथ नहीं लिया जो उसे गले से पहनाना रहे, ताकि वो मेरे लिए भी बहुत इजी हो उसे चेंज कराना और उसके लिए भी पहनना। तो ये है क्यूट सा स्टफ ऊपर का, इसका अपर इस तरह का शर्ट है, बहुत सॉफ्ट मटीरियल है, बहुत क्यूट लगता है, इसमें बहुत सारे एरोप्लेन हेलीकॉप्टर्स वगैरह बने हैं, एंड इट्स लुक सो क्यूट, और इस तरह से यहाँ पे इसके हैंड्स पे दिया रखा है। तो ये है फर्स्ट क्यूक्यूम्बर से। इसकी प्राइसिंग वगैरह अभी मुझे याद नहीं है, पर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि क्या प्राइसिंग के साथ मैंने इसके लिया है। ये बहुत आपको हर प्राइस रेंज में मिल जाएगा, अफोर्डेबल वे भी, आप जैसा चाहे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी इसकी प्राइसिंग के साथ। तो ये था फर्स्ट थिंग, ये है 3-6 मंथ, तो इसको बाद में काम आ जाएगा, एक पुल मैंने ले लिया। तो ये पहली शॉपिंग थी। सेकेंड थिंग, बहुत ही क्यूट सा शर्ट है एक्चुअली, तो ये इस तरह का कोई कुछ शर्ट है एक्चुअली, मैंने उसे बहुत अच्छे से धो के वॉश कर दिया तो ये इस तरह से हो गया, उतना अच्छा मैंने उसे तहाया नहीं है। तो ये एक पिस्ता ग्रीन कलर का शर्ट है, और इस पर बिग लिखा है, और इसमें मछली बनी है, और ये अंगरखा टाइप का है, मतलब ये देखिए यहाँ साइड से ये ओपन होता है, और क्या होता है ना बच्चों की नाभि वगैरह पे ये लगता नहीं है, तो शुरू शुरू में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। आप इस तरह से इसे ओपन कर लो और इस तरह से बंद कर लो अंगरखा स्टाइल, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने एक ये लिया। और इसी के साथ इसकी ये पैंट,
इस पे क्यूट लिटिल प्रिंट्स बने हैं और ये हाफ है, इसकी साइज जो है वो 0 to 3 है, 0 to 3 months, क्योंकि बेबी समर में आ रहा है तो मैंने समर के हिसाब से ही कपड़े लिए हैं। फुल पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, इसके पहले वाले में काफ़ी फुल स्लीव्स हैं तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये रहा, तो ये इस टाइप का है। तो ये था सेकेंड थिंग, दिस इज़ रियली गुड, दिस इज़ रियली क्यूट। ये पहला जो ब्रांड था वो क्यूक्यूम्बर था, और ये जो ब्रांड है वो है, आई डोंट नो इसका ब्रांड क्या है, ब्रांड नेम। बेबी हग के भी बहुत सारे कपड़े हैं, आई थिंक इसका ब्रांड नेम बेबी हग ही है, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी। तीसरा जो है मैंने रॉम्पर लिए हैं, रॉम्पर रियली क्यूट, बहुत क्यूट लगता है। तो मैंने फुल जो है इसकी जो स्लीव है और बाकी ये हाफ है, क्योंकि बेबी को अभी फुल काम नहीं आना है। सो इट्स रियली क्यूट, ये दो रॉम्पर्स हैं, इसमें लिखा है टफ लाइक डैडी, और जो इसका ब्रांडिंग है वो है डॉडल एंड पॉडल, मेड इन इंडिया, 0 to 3 months के लिए। और सेम इस तरह का जो है स्ट्राइप्स वाले, ये भी बहुत क्यूट लग रहा था, रेड एंड वाइट कलर में, वही है ब्रांडिंग इसकी, डॉडल एंड पॉडल, 0 to 3 months। तो ये दो मैंने रॉम्पर्स लिए हैं और मैं देखूंगी कितना कंफर्टेबल है, फिर उसके बाद 0 to 3 months का मैंने लिया है। और अभी ज़्यादा कपड़े नहीं मंगाए क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, कुछ बच्चे ठीक ठीक बढ़ते हैं अपने टाइम से, तो इस वजह से मैंने देखा कि मैं देखूंगी उसके बाद फिर ऑर्डर करूंगी। और ये सब मैं कभी कभी उसे पहनाऊंगी, पहले पहले तो उसके काफ़ी स्पेशल मोमेंट्स होंगे, जैसे उसका फर्स्ट डे और फिर उसका 6th डे जब माए यहाँ छठी होती है, फिर उसका फर्स्ट बर्थडे, फिर उसका 1.25 महीना जब होगा, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं हमारे माइंड में चल रही है, तो हम उसमें ये सब उसको पहनाएंगे, तो आपके साथ उसके फोटो ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये रहे ये दो रॉम्पर्स, दे आर रियली रियली क्यूट, और स्पेशली मुझे ये बहुत पसंद आया, टफ लाइक डैडी। मैं मम्मी का भी खोज रही थी मगर मम्मी को उतना अच्छा मिला नहीं, आई लव मॉम वगैरह करके मिल रहा था, बट वो प्लेन वाइट था, बट मैं जा रही थी थोड़े कलरफुल से। तो दिस इज़ टू रॉम्पर्स, अगेन 0 to 3 months, वेरी सॉफ्ट क्वालिटी, वॉइज वेरी वेरी नाइस। और इसी के साथ साथ मैंने लिया है बेड प्रोटेक्टर, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है बेड प्रोटेक्टर। एक शीट आप बिछाओ, क्योंकि वो प्लास्टिक वगैरह ना बिछाते हैं, इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल अगर आप अपने बेड पे बिछा रहे हो तो, वो एक तो सही से बिछती नहीं है और वो बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। तो इस तरह का मैंने मीडियम साइज़ का पर्पल कलर का प्रोटेक्टर शीट लिया है, ये है बेबी हग की तरफ से। आई थिंक इसकी कॉस्टिंग 327 समथिंग थी, बट डिस्काउंटेड प्राइस में ये 295 का ये पड़ा था। नीचे मैं सारी जो है लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। एक साइड ये इस तरह का प्लास्टिक शीट है, दूसरे साइड से अब मुझे कोई आइडिया नहीं था, ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत अच्छा है, काफ़ी कोजी सा है, तो इसको बिछा सकते हैं। मैंने मीडियम लिया है, मैंने स्मॉल नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता है स्मॉल लेके पैसे बस फंसाना रहेगा, आप 2-3 महीने यूज़ कर पाओगे, फिर बेबी जो है अलटने पलटने भी लगेगा, आप फिर उसके बाद बेबी बड़ा होगा, तो मीडियम साइज़ कम से कम आपको कुछ महीने चलेगा। और इसके बाद मैं जो है इससे अगर बहुत सेटिस्फाइड हो गई तो मैं इसका जो सबसे बड़ा जो साइज़ होता है वो ले लूँगी। तो ये मैंने लिया है, इसके भी काफ़ी कलर ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने डार्क लिया, आई थिंक ये ठीक रहेगा, छोटे बच्चों के साथ डार्क कलर ज़्यादा सही रहते हैं, इवन लाइट कलर में इतना क्लीनिंग वगैरह करने पे भी वो बहुत सही नहीं जाते हैं, तो डार्क कलर इज़ बेस्ट। तो ये है एक बेबी प्रोटेक्टर। नेक्स्ट मैंने जो चीज़ ली है वो ली है बहुत ही काम की चीज़, एक्चुअली हमने लिया है नेल कटर। तो ये देखिए इस तरह का नेल कटर है, और ये भी है बेबी हग की तरफ से। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपको बेबी हग की तरफ से मिलेंगे, काफ़ी अच्छा है वो ब्रांड और काफ़ी अच्छी है इसकी चीज़ें। तो इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा है कि आप बड़ा सा देख सको, बेबी के नेल्स आराम से काट सको, और यहाँ काफ़ी क्यूट सा छोटा सा नेल कटर के टाइप का इस तरह से दे रखा है, तो ये काफ़ी क्यूट है, ये हमने लिया है। और आई रियली डोंट नो, ये भी मुझे बहुत कंफ्यूजन लग रहा है कि किस तरह से नेल कट करेंगे, बट देखेंगे। और मैंने देखा है ट्रिमर भी आता है एक्चुअली, और ट्रिमर मुझे काफ़ी पसंद आया, बट मैंने ये ऑर्डर कर दिया था, फिर हमने सोचा है लेट्स ट्राई विद दिस, अगर ये नहीं होता है तो हम ट्रिमर ही ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि ठीक है वो भी सही है वो मैंने देखा, मगर इसको ट्राई कर लेंगे एक बार। तो ये है, काफ़ी अच्छा है, बड़ा छोटा सा है, आई लाइक दिस, इस तरह से फोल्ड हो जाता है। तो ये है नेल कटर, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत स्क्रैच करते हैं अपने आप को ना, तो वही।
दूसरी जो नेक्स्ट चीज है वो है ऑर्गेनिक काजल। काजल बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को काजल लगाना भी चाहिए, तो क्योंकि घर पे भी काजल बनाते हैं, बट मेरी मम्मा ने सजेस्ट किया था कि काजल अच्छा तो होता है तुम उसे लगाना, बट जो ड्राई काजल हम घर पे बनाते हैं वो काफ़ी इरिटेट करते हैं बच्चों को, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो ड्राई होते हैं, उनको चुभते हैं और वो लगते लगते वो भालू और पांडा बन जाते हैं एक्चुअली, और वो भी काफ़ी अच्छा रगड़ देते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि कुछ अच्छे ब्रांड का तुम सजेस्ट देख लेना, और बाकी तो मैंने देखा तो मुझे फर्स्ट क्राई पे ही ऑर्गेनिक नेत्रा नाम का बेबी काजल मिला, जो काफ़ी ऑर्गेनिक है। और इसकी कॉस्टिंग आई थिंक जो है, इसकी पहले तो इंग्रेडिएंट्स है इसमें है प्योर ऑर्गेनिक काऊ घी, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, बीज वैक्स, वेजिटेबल कार्बन ब्लैक एंड भीमसेनी कपूर, ये इसके इंग्रेडिएंट है। इसी के साथ साथ ये 100% नेचुरल है और 299 की इसकी प्राइसिंग है, यानी 300 की प्राइसिंग है, बट मिला मुझे 275 रुपीज़ का। और इसकी पैकेजिंग काफ़ी क्यूट है, इस तरह के इस डिब्बे में आता है, और ये तो हम लोग के काजल से भी महंगा है, बट इट्स ओके, बेबी के लिए नेचुरल चीज़ें ही मैं पसंद कर रही हूँ और वही ले रही हूँ, वही यूज़ करूँगी। तो इस तरह की एक डिब्बी है, और ये देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा और इसकी एक शीट है इस तरह से अलग हो जाएगी। तो ये काजल काफ़ी अच्छा है, स्मेल लाइक रियली नाइस, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, आई थिंक ये बेबी को इरीटेट नहीं करेगा, तो इस वजह से मैंने इसे ले लिया है ऑर्गेनिक काजल। तो ये थी मेरी लास्ट बाई। तो फर्स्ट क्राई से मैंने इतना ही शॉप करा है, बाकी की शॉपिंग मैं चाहती हूँ कि बेबी के आने के बाद बहुत सारी शॉपिंग फिर करूँ उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना बेबी बॉय है या गर्ल है, तो इस वजह से मैं ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं करना चाह रही थी। और इसके बाद जब अब मुझे बहुत जल्दी पता ही चल जाने वाला है इस मंथ में प्रॉबेबली कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, देन हम अपनी शॉपिंग को फिर एक्सटेंड करेंगे, फिर से शॉपिंग करेंगे। फॉर हम बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में अब हर बच्चे के लिए, यानी अगर बेबी गर्ल है तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें, हमारे बेबी बॉय है तो हम क्या क्या करेंगे, तो उसका भी वीडियो ब्लॉग आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए मेरे पास इतना ही था, फर्स्ट शॉपिंग में मैंने आपको दिखा दिया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं बेबी की कि हमने घर में बेबी के लिए क्या क्या तैयारी की है, वो भी वीडियो ज़रूर आएगा, अगर मुझे शूट करने का टाइम बेबी ने दे दिया तो ज़रूर वो वीडियो भी आ जाएगी। इसी के साथ साथ आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, सी यू सून।